हेलो दोस्तों, ये वीडियो अलीबाबा के संस्थापक जैकमा के ऊपर बनाई गई है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, काम के प्रति पागलपन होना या जुनून होना एक ऐसी बीमारी है, जिस बंदे को यह बीमारी लग गई ना, उस बंदे के सामने कोई भी काम घुटने टेक देता है। चाहे वो कितना बड़ा काम क्यों ना हो, उस बंदे का पागलपन और काम के प्रति जुनून उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा ही देता है। दोस्तों, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, चाहे कितना बड़ा ही काम क्यों ना हो। हमारी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी हम उस काम को कर सकते हैं, बस उस काम के प्रति हमारे जुनून होना चाहिए। दुनिया में ऐसे हजारों बंदे मिलेंगे जिसने अपने काम के प्रति पागलपन और जुनून के दम पर ऐसे ऐसे काम कर गए जो उसकी वर्तमान स्थिति से बड़ा था। दोस्तों, अलीबाबा के संस्थापक जैकमा का नाम तो पता ही होगा। वो आज 21वीं सदी का सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। उसका जन्म चीन में एक गरीब परिवार में हुआ। जैकमा जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, इसके बावजूद वो अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से बोल लेते थे। जैकमा ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा स्कूलों में नहीं ली, बल्कि चीन में आए टूरिस्ट को घुमाकर उनसे अंग्रेजी भाषा सीखने का काम करते थे। इसी प्रकार से 9 वर्षों तक टूरिस्ट के साथ मिलकर अंग्रेजी भाषा सीखते रहे और इस प्रकार से उसे अंग्रेजी भाषा की अच्छी खासी नॉलेज हो गया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जैकमा ने कई कंपनियों में छोटे पदों के लिए नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट ही कर दिया गया। एक बार उन्होंने KFC में 24 लोगों के साथ आवेदन किया, 23 का 23 सेलेक्ट हो गए और एकमात्र जैक ही असफल रहे, उसका चयन नहीं हो पाया। इसके बाद 1995 की शुरुआत में अपने दोस्त से मिलने अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। इसके पहले जैकमा ने इंटरनेट ना ही देखा था और ना ही चलाया था और ना ही उसके बारे में कोई खास जानकारी था। जब जैक ने पहली बार इंटरनेट खोला और उस पर बियर शब्द का सर्च किया, उन्हें बियर शब्द से जुड़ी जानकारियाँ अलग अलग देशों से मिली, लेकिन चीन से इस प्रकार का कोई जानकारी उन्हें नहीं मिला। इसके बाद जैक ने चीन से जुड़ी सामान्य जानकारी खोजा, लेकिन उन्हें इसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिला। इसके बाद जैक का दिमाग ने इंटरनेट से जुड़ी ऑफर आने लगी। इसके बाद उसने इंटरनेट पर काम करने का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपने देश के छोटे छोटे व्यवसायों को जोड़ने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर इंटरनेट पर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। लेकिन इनमें जैकमा को फंडिंग नहीं मिलने के कारण असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन जैकमा ने हार नहीं। एक बार फिर से जैकमा ने अपनी पुरानी गलतियों को देखते हुए इस बार अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर एक नया वेबसाइट बनाई, जिसका नाम alibaba.com था। इसमें भी शुरुआत में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर इसके बाद एक सेल बैंक के बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ईबे को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज के समय में जैकमा की कंपनी बड़ी कंपनी के रूप में पहचान बना चुका है। उसकी कुल संपत्ति 20 मिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, जितना कमाई अमेजन और ईबे मिलकर करती हैं, उससे ज़्यादा कमाई अकेले जैक की कंपनी करती हैं। दोस्तों, हमें असफलता से खुद को हार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि असफलता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समय कभी एक जैसा नहीं होता और ना एक जैसा रहता है। लगातार मेहनत और परिश्रम से हमें एक दिन सफलता मिलता है। इस तरह का मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।